रीजन वाई सक्सेसफुल पीपल वेयर द सेम क्लोथ एवरी डे। तो दोस्तों क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल सेम टाइप के कपड़े डेली पहनते हैं। आपने भी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को सेम टाइप की ग्रे टी शर्ट में और सेम कलर के जीन्स में देखा होगा। तो क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि क्यों सक्सेसफुल पीपल एक जैसे कपड़े पहनते हैं? तो मार्क जुकरबर्ग ने एक बार इसका खुलासा करते हुए कहा था कि सेम कलर के कपड़े पहनने से उनको मेंटल एनर्जी सेव करने में मदद मिलती है। देयर इज एक्चुअली अ टर्म फॉर व्हाट जुकरबर्ग इज टॉकिंग अबाउट, दिस इज एन फटीग। ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कि कहती है कि जो छोटे छोटे डिसीजन हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, जैसे कि आज हमें क्या कपड़े पहनना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, इन सब में हमारी कुछ न कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है। तो मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर इसी एनर्जी को सेव करने की बात कर रहे थे। अभी चाहे बात मार्क जुकरबर्ग की हो, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स या फिर बराक ओबामा, दे ऑल हैव और हैड मल्टीपल ऑफ द सेम क्लोथ लाइक सेवरल ब्लैक पैंट, टी शर्ट, ग्रे सूट एंड जीन्स। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, तो आइए एक एक करके उन पे बात करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज टू अवॉइड द स्ट्रेस ऑफ व्हाट टू वियर। तो आपने भी अपनी डेली लाइफ में ही जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप ही जरूर सोचते होंगे कि फॉर्मल पहने या इनफॉर्मल। आपके सामने भी ये क्वेश्चन हर बार आता होगा कि क्या पहने, क्या ये ओकेजन के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा या फिर कहीं आप अंडर ड्रेस ना लगे। दिस सिंपली गिव्स यू अननेसेसरी स्ट्रेस विच सक्सेसफुल पीपल आर एबल टू डॉज इजिली। अगर सेकंड रीजन की बात करें तो वो है वेस्ट ऑफ टाइम। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स वी गेट कंफ्यूज्ड एंड इट टेक्स टाइम, बट इफ यू हैव ओनली ब्लैक टी शर्ट एंड सेम कलर जीन्स इन योर वार्डरोब, देयर इज नथिंग टू डिसाइड, यू सेव टाइम और बिकम मोर प्रोडक्टिव। स्टीव जॉब्स भी इसका एक एग्जांपल हो सकते हैं जो कि हमेशा एक ही पैटर्न के कपड़े पहना करते थे। तो हम सब इससे क्या लेसन सीख सकते हैं? सिंप्लीफाई एज मेनी डिसीजंस इन योर लाइफ एज यू कैन सो यू कैन हैव ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। इन शॉर्ट वी कैन से सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। अपनी एनर्जी को इन छोटी छोटी बातों में खर्च ना करके कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचे और अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट करे और अपनी एनर्जी को उनको पूरा करने में लगाएं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।